परमात्मा कबीर देव जो है ये हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अब जैसे आप सोचते हो कि भी हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमें ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप इस भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ आए हो, आपको एक दो तीन लाभ तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे मत देगा, ऐसा लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा सुख हो गया, भगवान है परमात्मा। अब यहाँ जो भाई बहन आते हैं, जो दो वर्ष तीन वर्ष के लग रहे हैं, चार वर्ष के, पाँच वर्ष हो गए, वो शुरू शुरू में आते हैं जो, तो ये कहें जी हमारा ये नुकसान हो गया, ये लाभ नहीं होता, ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता। दो वर्ष के बाद जो सच्चे दिल तक लगते हैं, नाम खंड नहीं करते, दो वर्ष के बाद उनके पास जुबान नहीं रहती, हम के मांगा भगवान से, बिना मांगे देने लग जाता है, इतना सुख दे देगा आपको। अब वो जो नए नए आते हो तो अपने दुख बताते हैं, और उनको क्योंकि आपके पिछले पुण्य नहीं थे, बैटरी चार्ज नहीं थी, तभी तो आपको दुख हुआ, आपके प्रारब्ध में वो पाप थे। अब परमात्मा ने आते ही वो पाप काट के आपके सुख लिख दिए, तो अपने कोटे से आपको दिया। फिर आपको कहा जाता है कि बेटा, बच्चा, बेटी, अब तू भक्ति करके इब अपनी कमाई स्वयं कर। एक दो सुख तो इसलिए दिया जाता है कि ये पहचान ले कि भगवान है यहाँ पर, और फिर आपने स्वयं अपनी मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी तुम सेठ होगे। तो यहाँ आते हो, जैसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दलते शुरू शुरू में लगते नहीं, यदि आप शुरू से ही समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर एक वर्ष के अंदर वारे न्यारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा, जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया, एक व्यक्ति ने, और पांच व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते हैं, और फिर आपको हानि होनी बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझा जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजाएं मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना, सत साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवता या क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा, वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया, और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा, फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा, यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं, शुरू में ही प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे नियम को भंग करती है, इनको तुरंत त्याग दो, और फिर देखना।